नमस्ते दोस्तों, आज मेरी कहानी का शीर्षक है करवा चौथ। प्रभाकर जी आज बहुत खुश थे। उम्र के 50वें पड़ाव पे जाके उनका विवाह जो हो रहा था, पक्का रंग, छोटा कद और अदनी सी नौकरी, उनके विवाह में हमेशा रुकावट बनी रही। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आज करवा चौथ था। बाकी मर्दों की तरह उनकी पत्नी भी व्रत रखेगी, निर्जल रहेगी, उनको पति परमेश्वर मान के पूजा करेगी और चलनी से चेहरा देखकर अपना व्रत खोलेगी। ये सब उनके लिए एक सपने जैसा था। इन्हीं अपेक्षित विचारों की खुशबू से वह रोमांचित हो उठे। चाल को तेज करते हुए सबसे पहले उन्होंने एक गजरा खरीदा, फिर मिठाई की दुकान पर जाकर लड्डू लिए और अंत में कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों को खरीदा और उत्साह से भरे हुए घर पहुंचे। क्या देखते हैं, पत्नी ने ना तो श्रृंगार किया था और ना ही व्रत रखा था। वह रोज की तरह सामान्य दिख रही थी। प्रभाकर जी का जो प्रेम भाव हिलोरे ले रहा था ध्वस्त हो गया। वह बुझे मन से अंदर घुसे तो देखा डाइनिंग टेबल पर खाना सुंदर तरीके से सजाया गया था, उनकी दवाओं का डिब्बा भी साथ ही रखा था, बाथरूम में कपड़े टंगे थे, घर साफ सुथरा था। सुबह उनके द्वारा फैलाई गई सारी फाइलें अलमारी में करीने से लगा दी गई थी और पूजा घर में दिया जल रहा था। और सबसे बड़ी बात, उनकी पत्नी उनकी आने की राह देख रही थी। मालती मुस्कुराकर चाय बनाने अंदर चली गई। प्रभाकर जी ने अनमने मन से पूछा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक है, सुबह शुगर बहुत डाउन हो गई थी, कुछ मीठा खाया, थोड़ी देर आराम किया, अब ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें। और ये बताइए, आपने लंच किया या नहीं, या फिर वही लापरवाही? प्रभाकर जी अपनी पत्नी की बातों को सुनकर चिंतित हो उठे। ये मैं किसे सजारने संवारने की बातें कर रहा हूं, जो भीतर से इतनी खूबसूरत है उसे सजने संवरने की क्या जरूरत? करवा चौथ महत्वपूर्ण है या जो मालती ने ये सब किया वह है? अगर उसे कुछ हो जाता तो खुद में बदलाव कर वह गौरवान्वित हो उठे। गजरा, चूड़ी, मिठाई सब उन्होंने टेबल पे रख दिया और मालती का हाथ थामकर मुस्कुरा उठे। जाओ, तुम आराम करो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा।